अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। और जी, दंगल सज गया है इलेक्शन का, लेकिन बड़ा डाउटफुल सबको लग रहा है कि कोई कहता है कि इलेक्शन में ये विन करेंगे, कोई बोलता है वो विन करेंगे। आई डोंट नो कि एक कंपटीशन चल गया है और आवाम जो है बहुत सेंसिबल हो गई है और बड़ी आपस में गॉसिप चल रहे होते हैं, ये तो होता है। और अब देखें कि इलेक्शन में कौन आगे हुकूमत आती है, अभी तक डाउटफुल है। ऑफ कोर्स, क्योंकि इलेक्शन से पहले हम कोई भी प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन हम ये नहीं कहें कि ऐसा हो जाएगा। कंफर्मेशन तो कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। और मैं तो जो इस वक्त यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैं तो हमेशा अपनी आवाम की बात करती हूँ। और मैं है एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि 75 साल में अगर हम अपने, जैसे हम पूरे साल पे पढ़ते हैं, जैसे ऑफ कोर्स स्टडी करते हैं, फोर क्लास, फिफ्थ क्लास या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो एंड में उसका रिजल्ट होता है, यानी कि हमने कितनी मेहनत की है, वो रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि हाँ जी, मैंने इतना जो है पढ़ा है और अब मैं इसका आंसर दे सकती हूँ और मेरी पोजीशन ये है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो तमाम पार्टीज जिन्होंने पूरे साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल काम किए हैं, तो क्या वो अब रिजल्ट में फर्स्ट पोजीशन पर हैं? वो अपनी असेसमेंट खुद कर सकते हैं? क्या वो 75 सालों का रिजल्ट दे सकते हैं कि हमारी आवाम जो है, बड़ी, मुझे कभी कभी बड़ी एक हंसी भी आती है कि हम लोग जो तमाम हमारे जो फैसिलिटेशन हमें दी जाती है, वो तो हमारे ही पैसों की होती हैं। ऐसा ही है ना कि अगर मेरा वोट कोई कहे कि भाई मेरा हक बनता है, मुझे दो, तो सॉरी टू से आपका तो हक नहीं बनता। हक तो जब बनता है कि जब अगर आपने अपने पैसों से कुछ किया हो, आप तो हमारे ही पैसों से, यानी कि हमारे टैक्स के पैसों से हमें फैसिलिटेशन दे रहे, और वो भी पूरी नहीं है, वो 1% है, 99% तो है ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या हमें जो है, हमारा जो है सीवरेज का निज़ाम अच्छा है, पानी पानी जो है टैंकर के थ्रू आता है, गैस सिलेंडर के थ्रू आती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के थ्रू आती है, तो आप किस मुंह से कहते हैं कि आप हमें जिताएं और हम आपको अच्छा पाकिस्तान, अच्छा कराची, अच्छा लाहौर देंगे? कैसे? कोई मुझे रीज़न बता दे कि कोई मेरे पास, अभी PTCL नंबर मेंशन हो रहा है 021, आप मुझे प्लीज़ कॉल करके ज़रूर बताएं कि क्या रीज़न है कि हम आपकी सिलेक्शन करें और आप हमसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको आइंदा बहुत अच्छा देंगे, लेकिन आपने बिफोर, उससे पहले क्या किया? वाओ, जबरदस्त। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पता नहीं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, आई डोंट नो। और कभी कभी हाँ जी, आप ओ, मेरे आवाम यहाँ पर आ गई है, यस ओके। मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ लोगों के गॉसिप से कि आया कि अभी तक हम लोग दुनिया चांद पर पहुँच गई, हम चांद रात तय नहीं कर पाते हैं, तो ये तो एक कॉमेडी में, लेकिन अब ये भी सोचें कि इलेक्शन में ये नहीं पता कि हमारा थंब लगेगा, हमारा जो है बायोमेट्रिक होगा, या हम किस तरीके से जो है वो, ये हमारे, मैं हैरान होती हूँ कि लोग प्रिपेयर्ड होते हैं एक डिजिटल। अब मुझे बताएं, पहले आप लोग चेक साइन करके पेमेंट लेते थे, एक्सेप्टेबल, आज आप ATM से पैसे लेते हैं। आज पहले ये होता था कि ट्रांसफ़र करने के लिए हमें जाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस और हमारी पेमेंट कहीं और ट्रांसफ़र होती थी, अब तो मिनट में इजी पैसा, ठग से ठग ये उधर उधर से पैसा उधर से उधर चला गया, यानी कि डिजिटल वर्क को एक्सेप्ट किया जाता है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें जब डिफरेंट कंट्री उस पर ऑफकोर्स अप्लाई करें, तो जब हमारे मुल्क में बात आती है, तो वो हम लोग पता नहीं फिर बैक हो जाते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बैकवर्ड सोच रखते हैं। मैं कहूंगी कि अभी भी हम उस मेयार पर पहुंचे नहीं हैं। तो लेट्स सी, अगर मेरे साथ कोई कॉल है तो आप अपने व्यूज का, कि वोट आ रहा है, इलेक्शन का दंगल सज गया है, तो हमारे साथ कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एक बार फिर
शेर एक बारी फिर या चलेगा बल्ला या चलेगा तीर, और अब है दिलों पर किसका है मैं कहूंगी हुकूमत, आई डोंट नो। अवाम अब क्या सेंसिबल हो गई है कि क्या हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी में जनरेटर, पानी में टैंकर और गैस सिलेंडर और सीवरेज का कोई बेहतरीन निजाम नहीं 75 सालों में? ये है मेरा पाकिस्तान। आप कहे क्या कहेगी अवाम, आप बात बताइए। आपने अवाम की आवाज तो आप बन चुकी है ना, सभी अवाम की आवाज तो आपने बता दी क्या है। और मैं यही कहूंगा कि जो आपने कहा ना कि माशाल्लाह जो भी आता है वो हमें एक दुख दर्द देके ही जाता है। वो कहते हैं ना कि हमने तो हर एक को आजमाया लेकिन सबने हमें धोखे दिए। अब आप हम जाए तो जाए, कहूँ कहते ना कि मैं गेड़े पास जावा तो वाकई ये हाल है। मैं आपको बताऊं जो ये तफसीर हम सुबह शाम सुन रहे हैं ना, ये वो बातें हैं जो हम 75 साल से दूसरा सुनते जा रहे हैं। अब हमने अपनों को भी अपनाया, गैरों को भी अपनाया, सबको माशाल्लाह एमक्यूएम को आजमाया, हमने पीटीआई को आजमाया, सबको आजमाया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, हमें वो ही मिला। और आप यकीन करें कितने प्यारी कौम है हम, कि हम जो है ना पैसे देते हैं गैस वालों को और पढ़ते हैं अपनी से, पैसे देते हैं पानी के सेवरेज वालों को और हम टैंकर खुद खरीदते हैं। तो ये तो हमारे हाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ना, इसके बाद भी सभी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हमारे जो मैंने जो फील किया है ना, आप हमारे पहले माशरे में हमारे जो लीडर्स होते थे बहुत सारे, इवन लियारी का मैं तो सारा पूरा कराची का मैं बात करता हूँ, मुझे पता भी है। तो हम हमारे लीडर जैसे नबील कबूल वगैरह के वालिद वगैरह सब वहीं रहते थे, हमारे इलाके में सारे लीडर रहते थे, एमकेएम के बहुत सारे रहते थे। अब जब अल्लाह ने माशाल्लाह वो जब वोट लेके उन्होंने पैसे नोट बनाए दबा दबा के, फिर वो चले गए डिफेंस, वो चले गए कहीं मलिरगंज कहीं चले गए, इलाकों में रहते हैं सर। अपने वार्डर साहब आप देखे ना, वार्डर साहब ने बल्दियाती इलेक्शन लगा था बल्दिया टाउन से, ठीक है, उसके बाद बल्दिया को उन्होंने शिकल ही नहीं दिखाई, ठीक है। अब आप बताइए कि होता क्या है कि कभी हम और हमारे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। देखिए अगर आप नहीं गए ना वोट डालने तो आपका वोट कोई और डाल देगा, तो भाई आप खुद ही चले। अब हमारे पास चॉइस नहीं है। मुझे किसी ने पूछा, एक सज्जाद मीरे बड़े साफी हैं टीवी 1 के थे, और उन्होंने एक दिन पूछा याया साहब इतनी बातें करते हैं आप किसको वोट डालेंगे, तो उन्होंने कहा मैंने उससे कहा कि भाई मैं अपने पसंद के चोर को डालूंगा। तो बात यही है ना कि जब इर्द गिर्द सारे ऐसे लोग हैं तो अल्टीमेटली आपने उनको डाला, आपके पास तो कोई सिलेक्ट है ही नहीं। इलेक्शन देखिए लड़ता कौन है, इलेक्शन आपने जो बड़ी पॉइंट वाली बात की ना जो मैंने नोट की, देखिए एमपी और एमएनए का काम नहीं होता कि गटर खुलवाना, एमपी एमएनए का काम होता है, एमएनए काम होता है लेजिस्लेशन करना, कौम के मुस्तकबिल कानून साजी करना। बिल्कुल तो कानून तो उन्हें वैसे ही आता नहीं है, वो फंड्स लेके अपने इलाके में कूदते हैं और फंड्स अपने खा जाते हैं। बिल्कुल जो बल्दियाती इदारे में पाकिस्तान कराची में काम कर रहे हैं वो बल्दियात को काम है लोकल बॉडीज का। अब हमें आप अगर आप इसकी तरफ आएंगे ना, चले हम जमात की भी तारीफ करते हैं, जमात ने बहुत काम किया, वो आवाजें उठाते हैं, लेकिन आज आप देखें कि अगर सिर्फ अपनी सियासत के लिए लोग घर जो कर रहे होते हैं ना, बेसिकली अगर आप देखें आज अगर उन्होंने अगर मुर्तजा आप कराची के लिए काम कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता था कि आप भी उनके साथ मिलकर काम कर लेते, लेकिन खुद आपने सियासत करनी थी, आपको डिप्टी मेयर की ऑफर भी आपने नहीं की। अब वो क्या बोलते हैं कि आप खड़े हो गए, आपने केसी के दफ्तर पे जाके मुजाहरे कर लिए, सब कोई आपने अपनी सियासत कम करी, क्या फायदा हुआ, कोई फायदा हुआ मुझे? सभी आपके बिजली के बिलों में कमी हुई, आपके गैस के बिलों में कमी हुई नहीं ना, उनकी सियासत चमक गई। अब आप मैं सॉरी माजरत के साथ ये बड़ी हकीकत पर बात कर रहा हूं, कराची के लोगों क्या होता है, आपने फलस्तीन के नाम पे अल्लाह उनको यानी उनकी मदद करे, हम तो दिन रात रोते हैं उनके लिए बाखुदा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम शारा फैसल बंद करते थे। शारा फैसल जब बंद करते हैं तो आप तो ऑलरेडी मुश्किल में भाई, आप घर नहीं पहुंच रहे, पेट्रोल महंगा, बच्चे ख्वार हो रहे हैं, आपके स्कूल वाले ख्वार हो रहे हैं, हमें क्या मिला, कोई इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर नहीं कर रहा। अगर आप जाके क्या हिट करेंगे ना कॉन्स्टेंट के सामने कहीं तो इंटरव्यू, आपको आप शारा फैसल 10 दफा बंद करते हैं, तकलीफ मुझे और सभी को होगी, इसलिए कि हम ना आप अपने स्कूलों पहुंच सकेंगी, ना हम अपने घरों को पहुंच सकेंगे, ना बच्चे स्कूलों को पहुंच सकेंगे। बिल्कुल ये सारी बातें ऐसी हैं जो हम मुख्तलिफ देख जा रहे हैं। देखिए अच्छा या एक चीज मुझे लगती है, देखें एक मैं भी सेंसिबल हूँ, आप भी सेंसिबल है, अब आवाम बड़ी समझदार हो गई है, अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, पहले लोगों को इतना पता भी नहीं होता था ना, अब तो ज्यादा पता चल गया। अब एज कंपेयर टू और कंट्रीज भी हमारी मुट्ठी में आ गए, यानी कि लैपटॉप टैबलेट मोबाइल इसमें आ गए ना, कि बाहर मुल्क में क्या चल रहा है और हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, पहले तो ये चीजें मालूम ही नहीं होती थी ना। टीवी पे वही दिखाया जाता था, तो जो हुकूमत कहती थी ये दिखाओ, उससे अलावा किसी पर्सन के पास इतनी नहीं अवेयरनेस थी कि वो एक शहर से दूसरी शहर में जाए, वो अपने घर अपने जॉब तक महदूद रहता था। लेकिन अब इतनी ज्यादा अवेयरनेस है कि लोगों को जज करना आ गया कि
राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हमारे राइट्स क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन सभी मेरा एक सवाल आपसे भी है ना, मुझे बताएं कि चले आपको सब कुछ पता चल गया, ठीक है, अब आपके पास जो सिलेक्शन, जो आपके पास लॉइस चॉइस है ना, वही लोग हैं, उसके पास कोई चॉइस नहीं, एक आम आदमी तो आप जाके इंतखाब लड़ सकती नहीं। तो मैं यही वही आ रही थी, सुने, अब पता क्या, हुकूमत वक्त के पास है कानून, और वो उसको इस तरह के जिसकी लाठी उसकी भैंस, में हैरान होती हूँ कि लॉज हमारे ऐसे हैं कि वो अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं, वकील जो है वो चिल्ला रहे हैं, हमारे मुल्क में कोई सिस्टम हो ना हम उसको फॉलो करें, तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे मुल्क में कानून का, जहाँ पर मैं कहती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौला अली ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब ने लॉज को फॉलो किया, उन्होंने किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं दी, और यही वो निज़ाम होता है, कानून का निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम, जहां नहीं चलता ना बा खुदा मत आप कुछ भी कर लें, जब तक हक तलफियां होती रहेंगी हम कभी भी तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल नहीं हो सकते। अभी बस मुझे चंद जुमले कह के आप अपनी बात कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम इतना, मैं आपने मुझे नहीं बात कीजिए, या बात कीजिए। देखे सभी बात ये, खुदा की कसम आज हम बैठे ना, हम लोग तो देखे, हम लोग वो लोग हैं, हम तो अपने इदारों की इज्जत करते हैं, अपने लोगों की इज्जत करते हैं, तमाम, हम कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे हमारे इदारों की बदनामी हो, बिल्कुल, हम कोशिश, हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, मैंने कभी भी इस अंदाज में गुफ्तगू नहीं, ना आपने की हम किसी के साथ बदतमीजी करें, बिल्कुल सही, हम ही में से हैं सारे लोग, तो मैं कहता हूँ खुदा के लिए, देखें एक बात, मैंने अभी आप अभी एक न्यूज चली थी कल ना, जिसमें रेड़ी वालों का चलान हो रहा था, बिलीव भी रेड़ी वालों का चलान हो रहा है, बेचारे नहीं हद गाड़ी वाले खारागर में उनका 50-100 रुपए, वो कह रहे हैं भाई इतने तो हम कमाते नहीं, अब आप ये देखें चले आप चलान जो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप इसी शहर के अंदर चिंगिया चल रही बगैर लाइसेंस के वो चला रहे हैं, ना बच्चे खुले आम चला रहे हैं, उनको कोई नहीं होगा भत्ता उनसे ले रहे हैं, और आप यकीन करें कि मैं अफसोस के क्या कहना, सुनने वाली बातें सभी मुझे कहने, ये मैं नोट डाउन की आपकी खबरें चली है कि 21 रुकनी गिरोह जो है गिरफ्तार किया चोरों का, जो जमशेद क्वार्टर थाने वाले चला रहे थे, तो अब ये जहां और पुलिस वालों को डीआईजी साहब ने सस्पेंड भी किए, वो पूरे चोरों का गिरोह जो है चोरियां करता था, जो ये एक गैंग चला रहा था थाने से, अब आप देखें जब चौकीदारी आपके चोर बनेंगे तो आप होगा क्या, अब आप देखें चले कानून की बात कर रही है, आप चलान करें करोड़ों रुपए का आजकल चलान वसूल, हर आदमी परेशान है, लेकिन आप उनको तो पकड़ने, चोर डाकू डकैत खुलेआम गिर रहे ना, उनको तो नहीं पकड़ रहा, कोई किसी को मार रहा है, हर रोज आपके चैनल्स में आ रहे डकैती की वारदात में बंदा मर गया, डकैती की वारदात में बंदा मर गया, तो भाई अगर आप उनको हमें रोक के हमारे चालान कर सकते हैं बिल्कुल करें, तो इन चोरों डकैतों को आप क्यों नहीं रोक सकते, उनको भी तो रोके ना, उनको भी तो पकड़े। सिर्फ मैं एक बात बता दूं, आखिरी बात देखिए, मैं ट्यूनिस की मिसाल देता हूँ, ट्यूनिस के अंदर जब लोगों की महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि वहां एक ठेले वाला खड़ा था, तो ठेले वाले को पुलिस वाले ने उसका ठेला उलट दिया, और वो इतनी बड़ी वो मैसिव तहरीक बन गई कि ट्यूनिस के बादशाह को जाके वहां जब छुपना पड़ा सऊदी अरब में, ये रिसेंटली बात बता रहा हूँ, कोई सदियों पुरानी बात नहीं बता रहा, 10-15 साल के अंदर की बात है, तो वो उस न्यूज में इंकलाब आ गया। देखें बात क्या होती है कि जब आप कुछ नहीं होता ना, फिर जंग आमद बिल्कुल बिल्कुल, जब आपके जेबों में रोटी नहीं होगी ना, अभी तो चलो आपको खिला रहे हैं सिलानी वाले कहा खिला रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, जब लोगों को रोटी नहीं मिलेगा तो सभी वो मेरी और आपकी रोटी भी चलो, फिर आखिरी बात के इनकलाब फ्रांस में पता है क्या हुआ था सभी, या खुद ये मैं कह रहा हूँ कि अपने इलाकों में नहीं रहते भाषे इनकलाब उसमें बादशाह मलका से किसी ने कहा भाई लोग तो मर रहे हैं बेचारे क्या करें उनके पास रोटी नहीं, तो मलका ने कहा भाई अब केक खाएं आप मजे का फेस बांधते हैं, फिर जब इनकलाब आए ना सभी यकीन करें जो लोगों को मारा है लोगों ने हाथ पकड़े कि जिनके हाथ जरा से भी नरम होते थे ना लोग उनको मार देते थे, तो भाई इस नहज में ना आने दें, अल्लाह के वास्ते कोई कुछ थोड़ी बहुत मदावा करना लोगों का, हम आपको वोट देंगे तो हमें आप कम से कम बेसिक चीजें तो दे दें यार, हम फिर भी शुक्र अदा करेंगे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं बड़ी डीपली बात की और रियलिस्टिक बात की है, हकीकत से करीब होकर बात कही है इन्होंने, और याया मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप अपने मुल्क के और अवाम के बारे में इतना एहसास और हसास तरीके से सोचते हैं। मेरी उर्दू इतनी शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू के अल्फाज ज़्यादा आप लोगों के साथ बात करूँ और आपकी बात मुझ तक पहुँचे, और अवाम वाकई में काफ़ी डिसार्ड हो चुकी है, सोल्यूशन निकल नहीं रहा, महंगाई जो है वो ऑफ कोर्स कमर तोड़ रही है, और जिनकी जिंदगी लविश है वो उनका तो कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन जा रहा क्या है आम आवाम का, और खास तौर पे मुतवस्सत तबका जो है वो उनका, कोई कॉलर है मेरे साथ, हेलो जी, हेलो
अच्छा बात कर, मैं जितने भी जब हम लोग बात कहते हैं अपनी आवाम के बारे में, तो जिस तरह इन्होंने ठेले वाले की मिसाल दी, आपको पता है ये पथारे वाले, इन लोगों का कोई मंथली इनकम तो है नहीं है, ये जितना वहाँ पर ढड़ी लगाएंगे दिन को उतना घर में लेके जाएंगे, इनके छोटे बतन के बच्चे होते हैं घर में, खाना वाना बनता है इनका, ये तमाम चीज़ें उसी पर डिपेंडेड होती हैं, तो अगर हम लोगों के पास कोई सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है, ये भी तो ये किधर जाएँ, किस मुल्क में जाएँ, हमारे मुल्क के बासी हैं, अगर ये लोग पढ़े लिखे नहीं है या इनके पास कोई जॉब नहीं है, तो हमारे पास हमारी हमारी हुकूमत के वक्त के पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्या इतनी जगहें खाली हैं, आप उनके लिए कोई ना कोई ऐसा निजाम बनाएं, उनको कोई फ्लेक्सिबल कर दें कि भाई 6 महीने तक आप काम करें, उसके बाद हमें थोड़ी इनकम दे दें जिससे हम आपको, आप हमें इलेक्ट्रिसिटी आप हमारी यहाँ पे बेयर कर सकते हैं, तो उनको सपोर्ट कौन करेगा, कमर कौन देगा, बसाखी कौन देगा, हुकूमत वक्त को चाहिए ऐसे लोगों को, उनका प्रोफाइल बनाए, और उनके लिए ये तो नहीं वो बेचारे सदर में खड़े हों या बोल्डन मार्केट में खड़े हों, उनके पथारे तोड़ने लग जाएं, चना चाट लगा रहे, एक उनके ठेले उठा लेते हैं, उनके तराजू उठा लेते, फिर उनसे एक और चीज़ भी मैंने खुद ऑब्जर्व की है कि भाई उनके फिर सेटिंग चलती है, वो जाके फिर 500,000 जो बेचारे इतनी मुश्किल से कमाते, उस 500,000 में इतनी बददुआएं होती हैं कि आपकी सोच है, वो इतनी अंदर से मैं क्या कहूँ, वो दिल में गालियां दे रहे होंगे आप लोगों को, आप लोग सोच होंगे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, उसमें 10 पुलिस वाले अच्छे होंगे, उसमें से 2-3 ऐसे होंगे जो सेटिंग से आपको जो है ना वो डिफरेंट वो कर रहे होते हैं, लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ हमारे मुल्क का, सब फिर वही बात आती है कि इंसाफ का कोई भी निज़ाम बेहतर तरीके से नहीं चल रहा। हमारे साथ कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन मेरे साथ, मेरी प्यारी बहन क्या नाम है आपका? पहचान ली आपने मुझे? नहीं मैं पहचान ही नहीं, माजरत जी। कौन? अस्मा बात कर रही हूँ। अस्मा कहाँ से? रेगुलर कॉलर आपकी, बिजली से। कहाँ से? मैं बिजली से बात कर रही हूँ सभी। अस्मा आप कैसी हैं? ठीक है, अच्छा गिजरी से, मैं जो जगह का तो बताई ना, असल में अस्मा 2-3 जगहों से, तो जैसे ही अब मुझे याद आया, अच्छा गिजरी से। अस्मा कैसे हो आप, ठीक हो? मुझे कराची के मसलों ने इतना उलझा के रख दिया कि मैं, मेरा दिमाग जो है वो हो गया, अजीब सा हो गया। कभी मसला ये ना कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के मसले बिगड़े हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही, मैं सही बात बताऊँ, पूरे पाकिस्तान के ही मसले बिगड़े हैं, और जैसे कोई मसला सॉल्व करने के लिए आता है हमारे पर, तो वो बुरा बन जाता है, बुरा बन के उसको निकाल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। चाहे वो कोई, आप एक जॉब की फील्ड भी ले लो ना, वहाँ पे भी कोई अच्छा काम कर रहा होगा ना, तो 10 बंदे उस अच्छे को बुरा बना के ना निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसे, ऐसी हमारी हुकूमत में भी हो रहा है, हमारे मुल्क में भी हो रहा है, तो कहीं भी ऐसा निजाम नहीं देखा गया जो हमारे मुल्क में जो निजाम चल रहा है ना। बिल्कुल, हम परेशान है की ये हो क्या रहा है। अभी मैं उमर शरीफ का टिकटॉक पे एक देख रही थी, वो आपको पता है हंसी मजाक में जो है ना वो इंसान के चौथा तबक रोशन कर देते, हंसी मजाक में ऐसी बात कर जाते थे, अल्लाह उनको जन्नत के फिरदौस में जगह दे। तो मैं उसको जो है ना उमर शरीफ की टिकटॉक पे बात सुन रही थी, वो कहते मैं सलाम पेश करता हूँ अपने पाकिस्तान, मतलब अपने पाकिस्तान वालों को, कि कहते ना जितने सुपर पावर है उन सबसे ज्यादा सुपर पावर पाकिस्तान है। क्यों? बिजली के बगैर, गैस के बगैर, पानी के बगैर, नौकरियों के बगैर। हाँ, हाँ, उमर शरीफ का ये कहा था, बिल्कुल सही है। मैं उसको प्रमोट कर जाऊंगा इस मुल्क को, तो मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही कहकर गए वो, हालांकि वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने वो बातें कर दी जो आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, ये बेसिकली उन्होंने कॉमेडी में कहा था कि ऐसी आवाम कहाँ होगी इतनी बहादुर कि जब बिजली ना गैस ना पानी महंगी चीनी हर चीज के बगैर सरवाइव कर रही है। बिल्कुल सुपर पावर कह रहे हो इस साइड पे, पर हम सुपर पावर हम है, क्यों कि हम लोग जो है सब चीजों को फेस कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ यकीन माने हमारे आवाम का हौसले, सभी में आपको एक बात बताऊं कि वो फिर भी खामोश है, सबल शुक्र से बैठे हैं सब लोग, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इन हुक्मरानों को कुछ भी इनके जू तक नहीं मिलेंगे। अब देखो वोट के लिए घर घर जाएंगे, अपने जो है चमचे हैं जितने इनके जो इनके चेहरे उनको भेजेंगे, जाए भाई खुद तो आराम सकते से लेते हैं ना, बस कुर्सी की फिक्र लगी हुई है, कब कुर्सी हमें मिलेगी 12-13 दिनों में। ठीक है, आवाम की जो टेंशन है परेशानी है उसकी किसी को फिक्र नहीं, सिर्फ कुर्सी की फिक्र है, कुर्सी की टेंशन है, उसके लिए दुआएं मांगी जा रही है, अल्लाह के आगे सजदे भी कर लेंगे अपने मतलब के लिए, कि किसी तरीके से किसी बगीचे में भी बैठ जाएंगे,
किसी अल्लाह बाबा के पास भी चले जाएंगे, ठीक है, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, किसी पीर को भी घर में बुला लेंगे तो आएंगी दुआ दुरूद करें, हमें कुर्सी मिल जाए। लेकिन देखिए मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी जो है ना आवाज सुन रहे होंगे, आवाम भी सुन रहे होंगे, ये हुक्मरान भी सुने, तो देखिए खुदा का खौफ करे, आप लोगों कुर्सी मिल जाती है, आपको हुकूमत मिल जाती है, पर इन गरीबों का क्या कसूर है? मुझे बताएं कि खून पसीना एक करके वो तमाशे लाते हैं, महंगाई आप लोग कर देते हो, और इन्हीं के पैसों से आप सहाना जो है ना आप लोग अयोशिया करते हो। आप लोग की कोई बाप दादा की तो जायदादें थोड़ी थी, कोई आप ये मुल्क को या इनके बाप दादा का थोड़ी था, इनके पैसे आ रहे हैं, ये लोग हुकूमत कर रहे, ये अवाम के पैसे से आज अमीर बने हैं, अवाम गरीब होती जा रही है, ये अमीर से अमीर पर होते जा रहे हैं। लेकिन देखिए इन लोगों को सोचना चाहिए, सभी लोग ना एक वक्त का खाना नहीं मंगा पा रहे बाहर से, गैस बिल्कुल नहीं है, आपको पता है सर्दी है, ठीक है, लोगों ने नमाज पढ़नी होती है, कोई अल्लाह का कोई कुरान खोल लेता है, लेकिन ये तो जुम्मे के दिन भी लोग ठंडे पानी से नहा के नमाज के लिए जा रहे थे। आप बताए पता नहीं आए बदवाएं कहाँ जाके लगे, समझ से बाहर है, गैस नहीं है, महंगाई इतनी है, बिजली देखे तो वो जा रही है, पानी का नाम नहीं है, पानी आता तो गटर का पानी मिक्स होके आता है, ये किस तरह की ये लोग हुकूमत चला रहे थे? कहते जी अभी हमें दे कुर्सी, अभी हमें सेलेक्ट करें, इंशाल्लाह हम बनाओ। आप लोगों ने आगे क्या किया जो अब आप करेंगे, मुझे तो अभी अभी बताए ना, हम भी तो बचपन से लेके अब तक, मैं खुद तीन बच्चों की माँ, मेरी भी एक उम्र हो गई है, अभी बचपन से लेके यानी कि जवानी से लेके हमें ये सब सुनते देखते आ रहे, हमने तो कोई मुल्क में कोई सुधार नहीं देखा कभी, इन्हीं के हाथ में ना सब कुछ, बिल्कुल जो चाहे कर सकते हैं। नहीं 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 अस्मा अभी रुक जाएं, देखें ये गलत बात कह रही हैं, अब आप मेरी बात सुने, अब आपको उन्होंने प्रॉमिस किया है ना कि वो 75 साल बाद फिर वोट उनको चाहिए और फिर वो आपके लिए अच्छा करेंगे। देखिए भैया तो आपने गलत बोल दिया, अब आपको फिर वोट देना है क्योंकि वो अभी सोच के आए आपके लिए, 75 सालों बाद उन्होंने फिर सोचा कि आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। समझ आ रही है? समझ रही है ना, समझ रही है ना हमारी बात को? समझ रही हूँ आपकी बात को। हम लोग अपने आप को डुबोने के लिए लेते थे, खुदा के लिए आवाम को बताऊंगी, होश के नाखून में बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि देखिए एक बार हम धोखा खाते सभी, मैं आपको अपनी मिसाल दूंगी ना, मैं आपको एक बार धोखा करूंगी, दो बार करूंगी, तीन बार करूंगी, चौथी बार आप मेरा नाम भी लेना पसंद नहीं करेंगी। यार अगर मैं आपको 5,000 दूं और फिर आप मुझे वोट दे देंगे, एक दिन 5,000 दे दूं तो? नहीं नहीं देखिए अपने जमीर को बेचने वाली बात कोई भी ना करे, मैं आपको बताऊँ अपने मुल्क को सुधारने की बात करें, जमीन तो बिकते रहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जमीन तो आपको पता है कच्चे कच्चे में बिक रहे, लेकिन मुल्क को, मुल्क के लिए जिए, मुल्क के लिए मरे, मुल्क के सुधार के लिए आवाम को खड़ा होना चाहिए। देखिए मैं एक बात फाइनली ये करूंगी आपकी सभी सुने गौर से, कि देखिए ये इस पर आवाम को ना बिल्कुल सोच समझ के, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ कि इसे दे उसे दे इसे दे। असल में असम में एक लास्ट आपकी बात में ही सेट करती हूँ, बस खुदा के लिए अब अपने बारे में ना सोचे, आम आवाम की बात कह रही हूँ, आवाम को अपने बारे में नहीं सोचे, अब सोचे कि आने वाली जनरेशन को हम क्या देके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस्मा, बहुत शुक्रिया। और बस नाजीन मैं इतना कहना चाहूंगी कि अब ये नहीं सोचना आपने, क्योंकि आपने जितनी जिंदगी गुजार ली है अभी तक आप तीन चार मसलों में उलझे हुए, और वो है बेसिक, पानी साफ आपको मिल नहीं रहा, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में है नहीं, बिजली आपके घर में जो ऑफ कोर्स है नहीं, गैस आपके घर में है नहीं, सेवरेज निज़ाम आपका ख़राब है, महंगाई आपकी मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही है, आपके घर का माहौल, आप इर्द गिर्द पार्क बच्चों के लिए है नहीं, तो मेरे ख्याल में बुनियादी ज़रूरियात से अब महरूम आपने ज़िंदगी गुजार ली है, लेकिन अब आपने वोट बहुत सोच समझ के देने हैं कि ये जो 75 सालों का रिजल्ट है, जो मैंने इंट्रो में कहा था कि आप पूरे साल जब किसी भी पोजीशन के लिए आप क्लास में जब पेपर दे रहे होते हैं, पूरे साल मेहनत करके जब पेपर देने जाते हैं तो अच्छी तरह जो याद करके जाते हैं, रिजल्ट उसके बाद आता है, तो आपने अब इस बार जो पेपर देने हैं तो ये सोच के देने हैं कि मैंने अपनी आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाना है, क्या मैंने एक अच्छा हुक्मरान देना है, अच्छा पाकिस्तान देना है। कौन ऐसा शख्स है जो बहुत सिंसियर है, जो आने वाली यूथ को, आने वाली जनरेशन को सेव करे, और हमेशा ये प्रॉमिस ना करे कि इस बार मैं आऊंगा तो मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन इससे पहले आपने कई बार उसको आजमाया है।
लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे साथ और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। अगर आपका कोई भी इवेंट हो, अगर आपका कोई अवार्ड सेरेमनी हो, कोई सेमिनार हो, किसी तरह की भी एग्जीबिशन हो, अगर आप चाहते हैं उस इवेंट को हाईलाइट करना, तो मॉर्निंग शो का एक खूबसूरत सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।